हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से मैं आज आपके लिए एक ऑडियो बुक लेकर आया हूँ। ऑडियो बुक जो किताब मैं लेकर आया हूँ उसका नाम है द इमेज। इसके जो राइटर है वो माइकल ई वर्गर है। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक उन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर होगी जो लोग अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो के लिए ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो के लिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। द ई मिथ में माइकल ई गर्वर हमें बताते हैं कि हर साल अमेरिका के अंदर करीब 10 लाख बिजनेस शुरू होते हैं, लेकिन साल के अंत तक 40% फ्लॉप हो जाते हैं। पहले 5 साल में 80% बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं, यानी कि 10 लाख में करीब 8 लाख बिजनेस पहले 5 साल में खत्म हो जाते हैं। उनमें से अगर 20% बिजनेस बच भी जाते हैं तो वो नेक्स्ट 5 ईयर में करीब 80% बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। अच्छा, इतने बड़े बिजनेस फ्लॉप होने के पीछे कारण क्या है, इसके बारे में हमें माइकल ई बर्गर बताते हैं। बात करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति नए तौर से बिजनेस शुरू कर रहा है तथा बिजनेस में अभी अभी आया है। कैसी उसकी मेंटेलिटी होती है तथा उसकी क्या कंडीशन होती है। दोस्तों, जो अभी नए बिजनेस में आया है वो पहले कहीं टेक्नीशियन का काम कर रहा था। टेक्नीशियन का मतलब है चाहे वो हेयर ड्रेसर है, चाहे कहीं पर वो मैकेनिक था, या फिर टाइपिस्ट हो, या किसी सेल से जुड़ा हुआ हो, वो एक टेक्नीशियन का काम संभाल रहा था। लेकिन इन कामों को करते करते काफ़ी समय हो गया, इस वजह से वो इन कामों में काफ़ी होशियार भी हो जाता है और वो सोचने लगता है कि बिजनेस करने में कौन सी बड़ी परेशानी है। ये जो बिजनेसमैन है या जो मेरा बॉस है वो भी वही काम करता है, उतना तो मैं भी जानता हूँ। इस कारण से वो सोचने लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं भी अपना बिजनेस करूँगा, और वो बिजनेस करने कूद जाता है। लेकिन वो पहले एक टेक्नीशियन होता है, लेकिन वो अब एक बिजनेसमैन बनने की कोशिश करता है। दोस्तों, द ई मिथ में माइकल ई वर्गर हमें बताते हैं कि एक टेक्नीशियन होना तथा एक बिजनेसमैन होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक टेक्नीशियन बिजनेसमैन नहीं बन सकता, लेकिन एक बिजनेसमैन अपने यहाँ पर एक टेक्नीशियन के लिए जॉब पर जरूर रख सकता है। एक बहुत बड़े बिजनेस को चलाने के लिए हमेशा ई वर्गर हमें बताते हैं कि 3 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 बिजनेसमैन, नंबर 2 टेक्नीशियन, नंबर 3 मैनेजर। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो आदमी है जो फ्यूचर को देखता है तथा बहुत बड़े बड़े सपने देखता है। पूरा बिजनेस इसकी सोच पर टिका हुआ होता है। ये हमेशा सोचता है कि कैसे अपने बिजनेस को बड़ा करें, कैसे अपने बिजनेस के लिए सफल बनाएं तथा नए नए आइडिया, नए नए तरीकों के लिए यह हमेशा प्रैक्टिकल करता रहता है तथा एक्सपेरिमेंट आजमाता रहता है तथा इसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहे फिर कोई भी तरीका अपनाना पड़े, चाहे कोई भी इसके लिए काम करना पड़े, चाहे किसी के लिए हंसाना पड़े या फिर किसी पर चिल्लाना पड़े, ये बिल्कुल करता है। पीछे इन कामों के लिए नहीं हटता। दूसरे नंबर पर मैनेजर, ये एक प्रैक्टिकल इंसान है। ये हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखता है, प्लानिंग करता है तथा सेल्स का ऑर्डर लेकर आता है। जहाँ एक बिजनेसमैन अपॉर्चुनिटी देखता है, वहीं एक मैनेजर प्रॉब्लम देखता है। मैनेजर वो है जो एक डायरेक्शन को मिलते ही उसी पर काम में लगा रहता है तथा उसमें ही काम पर पूरा फोकस करता है। लेकिन एक बिजनेसमैन एक काम खत्म होते ही दूसरे के बारे में सोचने लगता है। टेक्नीशियन जो तीसरे नंबर पर आता है, अगर तुम एक अच्छा काम चाहते हो तो उस काम को खुद करो, टेक्नीशियन कहता है। दो काम एक साथ नहीं किए जाने चाहिए और ये काम को पूरी एकाग्रता के साथ करता है। एक बिजनेसमैन एक हमेशा भविष्य में जीता है, एक मैनेजर पास्ट में तथा एक टेक्नीशियन हमेशा प्रेजेंट में। सेल्समैन नए आइडिया इम्प्लीमेंट करता है, वह सोचता रहता है कि कैसे बिजनेस का इम्प्रूव किया जाए। अक्सर जब लोग नया बिजनेस खोलते हैं तो उनके अंदर 3 गुण होते हैं। उनके अंदर का टेक्नीशियन काम करना चाहता है, उनके अंदर का बिजनेसमैन एक नए आइडिया के बारे में सोचना चाहता है तथा नए आइडिया लाना चाहता है। आपके अंदर का मैनेजर उस आइडिया को पूरा करना चाहता है। ज़्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते हैं, उनके अंदर का 70% तकनीकी यानी टेक्नीशियन है, 20% मैनेजर है और 10% बिजनेसमैन है। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तथा आपकी परसेंटेज अच्छे बिजनेसमैन में आती है तो आपके लिए ना तो एक मैनेजर बनने की आवश्यकता है और ना ही एक टेक्नीशियन। आप एक अच्छे मैनेजर तथा एक अच्छे टेक्नीशियन के लिए अच्छी जॉब पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऑडियो बुक में बस पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है तथा दूसरे पार्ट के लिए हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से हम आपके लिए इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें तथा हमारे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी वैल्यूएबल ऑडियो बुक्स लेकर आता रहूं और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहूं। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।